ओलक जी, कुरुखवल चैनल में आज हमारे बीच में आई है नितीशा खलखो। ये दिल्ली में प्रोफेसर हैं और कुरुखवल चैनल के माध्यम से आज वो हमारे आदिवासियों के बीच में और कुरुखवल लोगों के बीच में कुछ अपनी बातें रखना चाहते हैं। नितीशा खलखो जी, मैं आपको कुरुखवल चैनल में स्वागत करता हूं। ओलग जी सर। मैडम जी, आप सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, कहे कि आप जितना बढ़िया से आप अपना परिचय देंगे मैं नहीं बोल पाऊंगा, इसलिए मैंने नहीं कहा, तो आप पहले परिचय देंगे। सभी कुरुखवल के सुनने वाले श्रोतागण और जो भी आयो और आबा लोग हैं, हम लोगों को लगातार अपनी भाषा में कुछ सीखे, कुछ बोले, कुछ पढ़े, इसके लिए ये चैनल लगातार प्रयास कर रहा है और ये बहुत जरूरी कदम है और मैं इसके लिए निमहत सर को बहुत धन्यवाद देती हूँ और सादर सभी को जोहार करती हूँ, ओलग्गी करती हूँ। और आज जो मुझे न्योता मिला है कि अपनी बातें कुछ हम रखें, तो मुझे लगता है कि अपने बारे में मुझे कुछ कहना है। बहुत मुश्किल होता है अपने बारे में कुछ कहना, पर छोटी सी जानकारी दूंगी कि मेरा नाम नितीशा खलखो है और मैं अभी फिलहाल जेएनयू से पीएचडी मेरा अंतिम वर्ष है, दिसंबर में मुझे अपना रिसर्च जमा करना है। और मैं मूलतः झारखंड रांची से, करमटोली मेरा घर है और माँ बाबा का नाम मुरली मनोहर खलखो, माँ का नाम डॉक्टर शांति खलखो और अभी तक मैंने 12वीं तक की पढ़ाई रांची में की, मिशन स्कूल में की और उसके बाद मैं ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में आई थी 2006 में और तब से लेकर के मैं दिल्ली में 14 सालों से हूँ और ग्रेजुएशन किया 3 साल दिल्ली विश्वविद्यालय में, फिर एमए के लिए मैं जेएनयू आ गई और यहाँ पे जेएनयू में बहुत सारे पढ़ने और सीखने को मिला और अभी पिछले 8.5 साल से मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रही हूँ और ये मेरा एक टेम्पररी पोजीशन है क्योंकि परमानेंट वैकेंसीज सरकार ने निकालना बंद कर दी है, ठेकेदारियों में चल रही है चीजें, तो एक एडहॉक के पोजिशन में मैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के तरीके से हिंदी पढ़ाती हूँ। और मैंने अपने शोध का विषय हमेशा से अपने आदिवासी समाज को, उसके आंदोलन को, अपने लोगों के लोकगीतों को, अपने समाज में जो चीजें नहीं आंसर की जाती हैं उन चीजों पे, जो बहुत अच्छी चीजें हैं उन चीजों पे, अपने आसपास के समाज में जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग थे उन लोगों से मैंने सीखा है। मैं बहुत छोटे समय में, जब कक्षा 8 में थी तब से मैं आदिवासी महिला मंच जोहार और JIPF करके एक फोरम होता था रांची में, मैं उससे जुड़ी हुई थी और मैंने जो विश्व आदिवासी दिवस का पहला सेलिब्रेशन रांची में हुआ था 1999 में, उसको मैंने एकदम पूरे लाइक चंदा काटने से लेकर के उसको आयोजित होने तक, सरहुल जैसा एक बड़ा जुलूस होने तक और वैसे लोग जो लोग कभी घर से नहीं निकले थे, ऐसे लोगों को मैंने उस आयोजन का हिस्सेदार देखा, तो मैंने अपने समाज से बहुत सीखा है और मैं जो कुछ आज बनी हूँ वो पूरे तरीके से मेरा एक सामाजिक देन है और जो मैं बात भी करूंगी वो मेरा एक सामाजिक एसेट है। और मुझे बस इतना सा मौका मिला कि मैं रांची से बाहर निकल के आ पाई माँ की वजह से और फिर यहाँ पे जेएनयू ने और दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुभवों ने मुझे बहुत हद तक एक सेफ में ढालने की कोशिश की और मेरी इच्छा शक्ति ही थी कि मुझे हर एक समाज में जो गैर बराबरी दिखता था तो मैं उस ओर अट्रैक्ट हुई, मुझे समझने का मौका मिलने का मन होने लगा। मैं दलितों के सवालों से जूझी, मैं ओबीसी के जीवन पद्धतियों और उनके परेशानियों से जूझी, मैं मुस्लिमों के साथ में आई जिनके प्रॉब्लम्स मैंने सुने देखे जाने,
मैंने घुमंतू जातियों के बारे में कुछ बहुत देखा सुना, और फिर उसके बाद ट्रांसजेंडर जिनकी सेक्सुअलिटी की वजह से उनकी एक अलग पहचान होती है, ऐसे तमाम लोगों से रहते हुए, और यहाँ पे लेफ्ट का मूवमेंट था, यहाँ पे आ, 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 आपके राइट के मूवमेंट थे, लेकिन जो मेरी समझदारी बनी वो एक बहुजन पॉलिटिक्स की तरफ बनी, अम्बेडकराइट मूवमेंट की तरफ मेरा झुकाव बना। और मैं मुझे लगता है कि इस तरीके से मैं अपने आप को शायद इतना सब बता सकती हूँ कि मैं ये हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, इतने सारे काम आपने किया है, और मैं भी खुद भी देखा हूँ कि आप आंदोलन वगैरह में भी, दिल्ली में धरना वगैरह में भी, वहां पर भी सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने देखा है कि आपने काफी वहाँ भागीदारी आपका रही है आंदोलन वगैरह में, और आदिवासी समाज के मुद्दों को लेकर के या इस तरह का कुछ भी आयोजन होता है उसमें आप सक्रियता आपकी रही है, और आप सुनने में आया है कि आप साहित्य के संपादक भी हैं और लेखन के दृष्टिकोण से भी आप आदिवासी समाज को काफी योगदान दे रही हैं, और सोशल मीडिया में भी आए दिन आपका मैं विचार देखता रहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है हमको कि आपका जो ये विवाक विचार और आप मुखर होके बिना डर भय के आप जो कहती हैं बहुत अच्छा लगता है, और चूंकि आप एक इतना मैंने पढ़ी लिखी और एक सजग महिला के रूप में एक आदिवासी समाज से आती हैं, तो निश्चित रूप से आदिवासी समाज को आपके विचारों से, आपके लेखन से और आपके शिक्षा वगैरह से या आपका जो स्पीच है उससे आदिवासी समाज को आने वाले दिन में काफी फायदा होगा, और हो भी रहा है, अभी हो रहा है और आगे भी बहुत फायदा होगा। और आज जो हम लोग बात करेंगे उससे भी आप श्रोता लोग जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग बहुत गौर से सुनिएगा नीतीशा जी क्या कह रहे हैं, कहे कि हम लोग बहुत सारी बात बिना सोचे समझे कहते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, और इसका काफी दुष्परिणाम भी कभी कभी हो जाता है कि हम बिना सोचे समझे कहते हैं, ये सामाजिक रूप से भी हानिकारक होता है और व्यक्तिगत तो होता ही है, तो इसलिए आज आप लोग बिल्कुल पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो वो आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले मैं ही क्वेश्चन करता हूँ नीतीशा जी से कि कहाँ अक्सर महिलाओं के सम्मान और अधिकार को लेकर आप सोशल मीडिया में या और पत्र पत्रिकाओं में भी कहती रही हैं कि आदिवासी महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए आदिवासी समाज में और अधिकार मिलना चाहिए, वो आप क्या सोचते हैं कि वो आदिवासी समाज उनको वो हक और सम्मान दे रहा है? मैं इस बात को कह सकती हूँ कि आदिवासी समाज में महिलाओं की जो स्थिति है वो बहुत सुखद है, तब तक जब तक हम लोग उसकी तुलना भारत के अन्य समाज की महिलाओं से करते, तब तक हम लोगों को लगता है अरे दहेज प्रथा नहीं है, अरे सती प्रथा नहीं है, अरे काम करने की आजादी है, अरे पढ़ने लिखने की आजादी है, हम लोग बाहर निकल के अपनी स्वेच्छा से चीजों को कर सकते हैं। तो जो एक लक्ष्मण रेखा जैसा दूसरी समाज की महिलाओं के लिए खिंचा हुआ है वो कम से कम आदिवासी महिला के पास नहीं है। उसको नाचने की आजादी है, उसको बोलने की आजादी है, उसको हर एक तरीके से अगर देखे तो बहुत खूबसूरत पक्ष है आदिवासी समाज का। और मैंने तो बेला डीला का आंदोलन देखा जिसमें कि अडानी वहां पे कुछ एक बड़ा सा खान खोदना है और वहां के जंगलों को खत्म करना है, तो वहां पे पूरा गांव उठ करके चला गया उस खदान को रोकने के लिए, और उन लोगों ने हाथों को जोड़ करके एक दूसरे का हाथ थाम करके नाच करके पूरा एक हफ्ता उस पूरे मूवमेंट को धराशायी कर दिया कि यहाँ पे हम कोई खनन का काम होने ही नहीं देंगे। ये ताकत मुस्लिम महिलाओं के पास नहीं है, ये ताकत हिंदू महिलाओं के पास नहीं है, ये किसी भी अन्य समाज की महिलाओं के पास ये हिम्मत नहीं है, ना इतना एक स्पेस मिलता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कि आदिवासी समाज में अपने पुरुषों के बरक्ष, उसके पैरेलल, उसके समान
अगर रखते हैं तो आदिवासी महिलाओं को लगता है कि कुछ चीज तो है गड़बड़ जिस पे हम लोगों को खुलकर बात करना चाहिए। चलो खुलकर बात करेंगे तब तो सॉल्यूशन निकलेगा ना, घाव को ढकने से तो वो खराब होगा, काटना पड़ जाएगा, ऐसी वाली प्रॉब्लम आती है। तो उसको खत्म करने के लिए कुछ बात करने की जरूरत है, उसको बहुत संजीदगी से सुनने की जरूरत है। तो वो सब चीज जब नहीं होता दिखता है तो थोड़ी सी तकलीफ होती है और लगता है कि नहीं, आदिवासी समाज में जो आदिवासी औरतों के सवाल हैं, जो कई दशकों से महिलाएं उठा रही हैं, और हम लोग अपने बीच में ऐसे ऐसे बड़े बड़े आदिवासी लड़काओं वुमन को देखते हैं जो साहित्य में एक्सेल कर रही है, जो मूवमेंट को लीड कर रही है, लेकिन आप उनको खारिज क्यों करते हैं? अरे एक गोत्र में शादी कर ली है, कैसे हम लोग उसको मानेंगे? राजनीतिक पार्टी तो नहीं देगी उसको टिकट। और इसीलिए हम लोगों ने जो मतलब ऐसे एकदम बहुत बहुत मजबूत महिलाओं को जिन्होंने अपने घर परिवार शादी अपना रोजगार जीविकोपार्जन सबको एक ढाबे में ढाल दिया, और वहां से वो महिला लगातार लड़ रही है, जूझ रही है, लेकिन हम लोग उनको ना विधानसभा पहुंचाने का दम रखते हैं, ना हम लोग संसद ले जाने का दम रखते हैं। कारण क्या है? हम लोगों को तो बोलने वाली लड़की नहीं चाहिए। कांग्रेस बीजेपी बड़ी बड़ी पार्टी तभी तक आपको इंटरटेन करेगी जब आप उनके अनुसार चलो, और राजनीतिक पार्टियां किसके अनुसार चलती है? तो वो पूरी तरह से धर्म है, सत्ता है, पूंजी है, उसके आधार पे चल रही होती है, तो वो तो उनको बिल्कुल इंटरटेन नहीं करेगी। यही वजह है दयामणि बारला हारती है, यही वजह है सोनी सोरी हारती है। तो मुझे लगता है आदिवासी महिलाओं के प्रश्न जब उनकी शारीरिक हिंसा से शुरू होकर के मानसिक हिंसा तक जाएगी, और उस मानसिक हिंसा के बाद आप अगर उसकी मॉब लिंचिंग कर रहे होंगे, सिर्फ मॉब लिंचिंग मुसलमानों की नहीं होती है या क्रिश्चियनों की नहीं होती है, बल्कि हर उस महिला की होती है जो एक सिस्टम से, एक व्यवस्था से थोड़ा अलग सोचती है और बोलती है कि नहीं, डाइन बोल के मारोगे नहीं बर्दाश्त होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इस वुमेन को अकेला शादी के बाद छोड़ दी गई है, छुट्टल महिला है, उसको हम लोग दोबारा रीमैरिज की तरफ नहीं ले जा रहे हैं, और उसका बेटा को संपत्ति मिलेगा, उसको अपना मायके में संपत्ति मिलेगा नहीं मिलेगा, तो एक बहुत बेचारगी वाले माहौल में महिलाएं जीने के लिए विवश है। तो हम लोग सिर्फ डाइन हत्या नहीं देखे, लेकिन डाइन हत्या के अलावा हम लोग अपने समाज में बढ़ते हुए जो महामारी के दौरान में भी रेप हुए, गैंग रेप हुए हैं, पंचों के द्वारा और माझी परगनेतों के द्वारा पनिशमेंट स्वरूप बहुत बड़े बड़े जुर्माने ठोके गए हैं कि एक गोत्र में शादी किया है हम लोग ये पनिशमेंट देंगे, मुस्लिम ने पुरुष से प्रेम किया है हम लोग 17 आदमी लोग हम लोग उसका रेप करेंगे। वीरभूम में घटित घटनाएं हैं, कोई मैं हवा में बात नहीं कर रही हूँ, ऐसा नहीं था आदिवासी समाज, ऐसा नहीं है आदिवासी समाज, ऐसा नहीं है, लेकिन एक प्रभाव जो हम लोगों को नहीं दिखने वाला दिख पड़ रहा है लगातार तकनीक के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, हम लोग उस पर बहुत मतलब संजीदा होकर सोच ही नहीं पा रहे हैं। हम लोग क्यों घृणा करने लगे हैं दलितों से, हम लोग क्यों घृणा करने लगे हैं मुसलमानों से, हम क्यों घृणा करते हैं क्रिश्चियन से, हम क्यों घृणा करते हैं सरना लोगों से? तो ये सब एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडा, और उसमें एक नहीं दिखने वाला युद्ध आपको लगातार दिमाग में डाल रहा है, ए हमारी लड़कियां दूसरे से शादी करके लव जिहाद जैसा मामला हो जा रहा है, वुमेन लोग को तो मजा चकाना पड़ेगा। हम लोग तो हर दिन सोशल मीडिया में एक बुरी आदिवासी लड़की के तरीके से प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उनको लगता है हम कह रहे हैं, हम कुछ बोल रहे हैं, हम कुछ मांग रहे हैं, हम जो मांग रहे हैं वो रिस्पेक्ट है, हम लोगों को सुनने का एक स्पेस होना चाहिए, हम लोग इस पर बात कर रहे हैं, आपसे छीन करके और आपको हमसे कुछ छीनने का ये तो मौका नहीं देंगे। क्योंकि पढ़ने लिखने का एक ये फायदा तो जरूर है कि क्या जायज है और क्या मेरे हित में नहीं है और क्या हम सबके हित में नहीं है,
इस चीज की तो अंडरस्टैंडिंग बनती है और समाज को कभी भी तोड़ने वाले तत्वों से दूर रखने का प्रयास अगर आदिवासी महिलाएं उठाती हैं तो फेमिनिस्ट होकर के, आदिवासी फेमिनिस्ट होकर के गाली का जो दौर आदिवासी महिलाएं आज के समय में झेल रही हैं, सिर्फ उड़ाव महिलाएं नहीं, संथाल महिलाएं नहीं, बल्कि आप नॉर्थ ईस्ट में भी चले जाएं तो वहां भी एक तरह से जो पितृसत्ता का दखल है वो नागा महिलाओं को, वो मिजो महिलाओं को, वो खासी महिलाओं को, वो निशी ट्राइब जो अरुणाचल में है, उन सभी समाज में महिलाओं को कुछ अलग तरीके से ट्रीट कर रहा है। और ये ट्रीटमेंट है वही ब्राह्मणवादी, वर्चस्ववादी, किसी को कमतर देखना, कम आंकना, इन सब चीजों को लेकर के है। तो मुझे इस पर बात करने का मन है कि हम लोग अपने अगुआ लोगों को, अपने बड़े लोगों से जब संवाद चाहते हैं तो सिर्फ एक ही चीज पर, वही एकदम हिंदूवादी नजरिए से कि नहीं, महिला को हम नहीं सुनने देंगे। अरे भाई, 2000 से लेकर 2021 आ गया, कितना पार्टिसिपेशन बढ़ाया आपने, कितने महिला नेत्री दिए आपने। अगर वो घर संभाल सकती है, आपका खेत बारी संभाल सकती है, बाजार हाट देख सकती है, तो एक विधानसभा और संसद में रह के लिए कुछ नीतिगत विचार और फैसले भी ले सकती है जो सर्वहित में हो, वो आदिवासी महिलाओं के हित में केवल हो, ऐसा नहीं है। हम लोग EWS का 10% रिजर्वेशन तुरंत से पास कर देते हैं, लेकिन 33 भी नहीं मिलना चाहिए, 50 मिलना चाहिए, बराबरी, मतलब एकदम रेशियो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस चीज से हम लोगों का एकदम नवास्ता है और इस पर बात करो तो बुरा हो जाता है। तो हम कोई लड़ाई नहीं चाहते, हम संवाद चाहते हैं जो सर्वहित में हो, और इस चीज को समझना पड़ेगा। उस थोड़ा सा ना वो एटीट्यूड से बाहर आना पड़ेगा कि मेल होने के नाते ये चल रहा है, इस नाते ये कस्टमरी प्रैक्टिसेस है, इस नाते, अरे भाई सती प्रथा भी एक कस्टमरी प्रैक्टिस था हिंदू लोग का, जला दिया जाता था, जलाओगे वुमेन को आप ये बोल करके, अगर किसी और से प्रेम कर ही ली तो मार डालोगे क्या। दुमका में अभी मामा भांजी की हत्या हुई है संथाली गांव में, तो ये संथालियों के बीच का प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों को बस उस पर विचार करने की जरूरत है कि ऐसी हत्याएं हम लोगों ने पीछे पास्ट में कमतर देखी है, नहीं के बराबर देखी है, और आज ये हम देख रहे हैं, तो ये एक प्रभाव से जनित समस्या है और इसका समाधान करने के लिए इकट्ठा बैठना होगा। उस इकट्ठे बैठने के लिए सहिष्णु होना होगा, संवेदनशील होना होगा। आइए फिर बतियाते हैं, फिर सॉल्यूशन निकालते हैं। अभी TAC की घोषणा हुई झारखंड में, कल ही TAC का निर्माण हुआ है। एक प्रतिनिधि नीता सोरेन, सब पुरुष, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल से डिसीजन लिया जाएगा वुमेन के लिए, तो उन 12 से 13 मेंबर्स में एक वुमेन का रोल क्या हो सकता है, चिंतनीय, सोचना पड़े। तो बहुत अच्छी बात आपने महिलाओं के संबंध में कहा, विशेषकर आदिवासी महिलाओं। इसमें पुरुष एक्चुअली माने एक एक स्वार्थी मानसिकता को लेकर के इस तरीके का बात करते हैं कि आदिवासी जो गैर आदिवासी महिलाओं से विवाह करती हैं वो गलत है, या तो फिर उनको ये होना चाहिए, या तो उसको हम ये कर देंगे। मैंने एक ऑटोक्रेसी टाइप का जो बिहेवियर आदिवासी समाज में होने जा रहा है, और लोग बिहेवियर दिखा रहा है, और कई बार लोग सोचता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हत्या कर देंगे, या फिर एकदम बिल्कुल बहिष्कार कर देंगे, समाज से बहिष्कार कर देंगे। इस तरीके से अमानवीय व्यवहार जो किया जाता है ये उचित नहीं है किसी भी दृष्टिकोण से। इसका उचित समाधान होना चाहिए एक सामाजिक रूप से, और जो वरिष्ठ लोग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनको इस संबंध में एक सही निर्णय और दिशा की ओर समाज को ले जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस मेरे इस सवाल का जवाब देने के लिए। नीति सर जी, हाँ मैडम, सुनाई पड़ रहा है मेरी आवाज? हाँ हाँ, मैं सुन पा रही हूँ आपको सर। अच्छा,
तो मैडम मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, कहे कि सुनना आपसे ही है। मैं अगला आपसे पूछना चाहता हूँ, आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार अब तक पूरा नहीं हुआ, ऐसा लोगों का कहना है, जैसे पांचवी अनुसूची और पी पेशा कानून वगैरह जो आदिवासियों के लिए बने हैं, आदिवासी क्षेत्र में पांचवी अनुसूची लागू है और उसका क्रियान्वयन राज्यपाल करती हैं, लेकिन राज्यपाल अब तक उस पर ध्यान नहीं दे रही हैं, या तो उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा होगा सरकार की ओर से। तो आप इसको क्या कहना चाहेंगे कि क्या मैंने वाकई में ऐसा हो रहा है, और इसका मैंने हम लोग इसको अपना हक अधिकार जो पांचवी अनुसूची वगैरह में या पी पेशा में है उसको हम लोग कैसे संरक्षित करें या तो उसको पा सकते हैं, आप इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? एक दो बिल्कुल हालिया जो अनुभव है उसके आधार पे ये बात का आंसर करने की कोशिश करूंगी। पांचवी अनुसूची, पेशा के कानून, पीएनपी एक्ट, एसपीटी एक्ट, जो विल्किंसन रूल, ये तमाम तरह के जो संवैधानिक प्रावधान, पीएनपी और एसपीटी तो उससे पहले के हैं, संविधान के बनने से भी पहले के हैं, विल्किंसन रूल भी पहले के हैं, पेशा बस हम लोगों को संविधान के उपरांत प्राप्त होता है। हम लोगों को एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि जब हम लोग एक देश की बात कर रहे होते हैं ना, और देश को चलाने के लिए एक संविधान की बात कर रहे होते हैं, 1947 में हम आजाद हुए, 50 के लगभग हमारा संविधान तैयार हुआ, लागू हुआ, 57 के लगभग में हम लोगों को नौकरी और शिक्षा में रिजर्वेशन मिला आदिवासियों को, और उसके बाद हम लोग एक दावेदारी रखते हैं कि हम भी यहाँ के इंडिजिनस हैं, आदिवासी हैं, और हम लोगों के साथ एक न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। 1947 से पहले क्या था भारत? एक बहुत बड़ा ज्योग्राफी जो अलग अलग छोटे छोटे प्रांतों में था, अलग अलग राज्यों में, रजवाड़ों में बटा हुआ था, 550 से ऊपर रियासतें हम काउंट करते हैं 1947 से पहले। तो आप देखिए इतनों को हम लोगों ने एक संघ के रूप में चिन्हित किया कि ये बाउंड्री है और इसको हम भारत कहेंगे। उस समय जितने राज्य बने, आधार था कि जो सांस्कृतिक रूप से, भाषाई रूप से एक दृष्टि के हैं उनको हम लोग एक राज्य बन मान लेते हैं। तो उस समय जो राज्यों की संख्या थी, वहां से लेकर के जब हम आज 2021 तक में आते हैं, तो अंतिम हमारे पास तेलंगाना नामक एक 27वां राज्य हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि ये संख्या जो पहले क्लब की गई, 500 को मिला करके एक देश बनाया गया, वो धीरे 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 फिर से टूट टूट के अलग अलग राज्यों की निर्मितियां कर रही हैं, और कहीं ना कहीं आपको वहां की जनता के साथ एक ऐसा दोमुहा व्यवहार कर रहे हैं, या उनके साथ आप व्यवहार अच्छा नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस को गवर्नमेंट ने नाम दे दिया है नक्सलिज्म का, टेररिज्म का, सेपरेटिस्ट होने का, और इस तरीके से वो अलगाववादी बोल करके, देशद्रोही बोल करके आपको चुन करके खत्म करने की कोशिश कर रही होती है। मैं बात करना चाहूंगी कि अगर हम लगातार इसी तरीके से विखंडित हो रहे हैं, तो उसके पीछे का रीजन बहुत साफ तौर पे कहें तो पावर का जो सेंट्रलाइजेशन है, हम लोगों ने सारी सत्ता का एक केंद्र बना दिया, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल चीजें, और फिर कुछ पावर हमने छोटे 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 जो भी राज्य बने हुए हैं उसको हमने शासन करने के लिए दे दिए, रिसोर्सेस पे कब्जा आप ले रहे हैं, सारे रेवेन्यूज केंद्र के पास जमा हो रही है, राज्य के पास आप प्रॉपर चीजें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि वहां की जनता को लोग मिल सके, और इस बीच में जितने भी तरह के भ्रष्टाचार है वो चीज हो रही है। इस भ्रष्टाचार को बनाने वाला लोग कौन है? जो सत्ता अलग अलग जगह पे वहां के लोकल लेवल पे दे करके उसको एक सेल्फ रूल, स्वसम्मान, ऑटोनोमी दे के, स्वशासन दे करके हम लोग कर सकते थे, उसको ना करके सारी पावर केंद्र डिसाइड करेगी, पूरे आपके झारखंड में क्या पढ़ाया जाएगा, आपके राजस्थान में क्या पढ़ाया जाएगा, आपका कश्मीर में क्या पढ़ाया जाएगा, आपका तेलंगाना में क्या पढ़ाया जाएगा, ये सारे डिसीजंस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ले लेगी,
आपको तय नहीं करने दिया जाएगा कि हम अपने गुमला के डुमरी में बैठ करके अपने बच्चे को ए से आयो ना सिखा करके ए से एप्पल सिखाएंगे और एप्पल आएगा भाई सर्दियों के दिन में बाजार में, और बच्चे के पास इतना पैसा नहीं है उसके परिवार वालों को कि ए फॉर एप्पल वो दिखा करके उसको छू करके उसको महसूस करके उसको इस्तेमाल करके बता सके कि ए फॉर एप्पल होता है। ठीक है, उसकी जगह पे आपको उसकी जगह पे उसको वो एक आजादी देने की जरूरत है, वो स्वशासन देने की जरूरत है, वो राइट देने की जरूरत है कि वहां की जो जनता है वो तय करेगी कि हम ए फॉर आईओ पढ़ना चाहते हैं, हम ए फॉर एप्पल पढ़ना चाहते हैं, क्यों कैसे कबूतर ही हम पढ़ते आ रहे हैं आज तक। हमारे मन में तो ये सवाल भी होना चाहिए ना, जिसको हमने नहीं देखा है। गांव के बच्चे मैडम, गांव के बच्चे एप्पल कभी देखे नहीं रहते हैं और एप्पल के बारे में उनको पढ़ना पड़ता है। जो एरोप्लेन उनको पढ़ाया जा रहा होता है, ए फॉर एरोप्लेन, एक जो कनेक्टिविटी होता है ना वही नहीं बन पा रहा होता है। तो मैंने एक छोटा सा शिक्षा का उदाहरण दिया कि किस तरीके से ये सारे नीतियां बनाने वाले लोग अपने हाथ में पावर रख करके आपको पपेट की तरीके से रस्सी बांध दी डोरी और उस पर आपको नचाना शुरू कर दिया। तो मैं तो बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी कि जो आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार है वो संविधान बनने से पूर्व, मतलब आजाद भारत से भी पूर्व, अंग्रेजों के दौरान बनी हुई है और वो सब लड़ाई करके हमारे पूर्वजों और लड़ाकाओं ने पाया है। वो कोई एक देश हमें तैयार नहीं था कि हम आपको स्वशासन देंगे, हम आपको ये चीजें देंगे। ये जो फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल का जो आइडिया है वो भी उसका आधार विल्किंसन रूल सब है, जहां पे बात की जा रही है कि नहीं जमीन इनको जमीन ही है, जमीन नहीं खत्म होने देना चाहिए। लेकिन साथ में क्या प्रावधान आ जाएगा कि नहीं नहीं अगर सोसाइटी के बड़े पैमाने के हित के लिए है तो फिर आदिवासी जमीन भी ले लो। तो आप लोगों ने तो बल्कि अंग्रेजों के समय में जो रूल थे उसमें भी छेद बनाने का काम किया और उसको आप आइडेंटिफाई करने से बच रहे होते हैं। तो इस देश में संविधान से पहले आदिवासी ज्यादा सुरक्षित है या संविधान बनने के बाद ज्यादा सुरक्षित है, इस पर तो खुल करके चिंतन मनन होना चाहिए, उसका कॉम्पेरेटिव स्टडी होना चाहिए और चीजों को तय होना चाहिए कि क्या हमारे लिए हित में है। तो इस तरीके से मुझे लगता है यहाँ पे पूरा मामला पावर शेयरिंग को न देने का है। क्यों एक 3-4% की सवर्ण अगड़ी जातियां 97% और 98-99% रिसोर्सेज में कब्जा किए रहते हैं? कितने के घरों में आज एप्पल है या एप्पल का ही मैकबुक है? कितने के घरों में इंटरनेट और एंड्रॉइड है? आप तकनीक से कब्जा जमाए रहते हैं, वो इतने महंगे इक्विपमेंट्स होते हैं, आप जहां पे 10,000 के मोबाइल फोन पे इठला रहे होंगे या 20,000 ज्यादा से ज्यादा ले लीजिए, लेकिन उनके पास लाखों लाख का सामान होता है। जब आप 20 लाख तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो वो करोड़ में होंगे, और जब वो करोड़ में आप पहुंचने की कोशिश करेंगे तो वो अरब में होंगे। तो आपको तो मतलब कभी मतलब कंपटीशन का मौका ही नहीं मिलना वाला है। तो आपकी लड़ाइयां वहां ना हो करके अपने विदिन होती है। अरे वो तो शरणा है यार, कैसे हम अपनी बेटी देंगे? अरे वो तो क्रिश्चियन है यार, कैसे? यही लोग रिजर्वेशन खा के बैठा है, यही मिशन लोग खराब किया है। ये जो लड़ाइयां हैं, लम्हा बाइबल की ले लीजिए, चाहे मरियम को पड़िया पहनाने की ले लीजिए, आपकी आस्था आहत नहीं होती है लाल पाड़ जब सरस्वती को पहनाया जाता है। सरस्वती की हर एक मूर्ति देख लीजिए, व्हाइट साड़ी लाल पाड़, लेकिन आपको तकलीफ तब हो जाती है जब मरियम को लाल पाड़ पहना दिया जाता है। क्यों? ये एक प्रोपेगेंडा है। हिंदू संगठन वहां पे ये बात आपके अंदर में डालना चाहती है कि जिनसे आप हेटरेट कर दें, जिनके लिए आप मोब लिंचर्स बने, जिनको आप मारे काटे, वो लोग आपके अपने वही लोग हो जिनके जो पुण्य भूमि, एक पितृ भूमि का कॉन्सेप्ट है जो सावरकर की बुक बंच ऑफ थॉट्स में आप पढ़ सकते हैं। वो बोलते हैं मुसलमान और जो क्रिश्चियन है वो इस देश के लिए लॉयल नहीं हो सकते, लॉयल ईमानदार नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी जो जो बड़ी वाला धाम है ना वो सब बाहर है, विदेश में है, मक्का मदीना जाते हैं, ये यरूशलम जाते हैं, ये कभी अपने नहीं हो सकते। और इसी चीज को वो आपके अंदर घृणा फैला करके,
अरे देखो तुम लोग जिस गाय को काम करते हो उसको ये लोग काट के खाते हैं, बताओ ऐसा होता ही क्या? अब आपकी थाली उनके लिए परेशानी का सबब, और जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं वो चाहे प्रोटीन पूरा नहीं मिल रहा हो, क्योंकि मटन तो 600 रुपए के जी है ना, तो हम तो सुअर भी खाएंगे, हम तो गाय भी खाएंगे, हम तो बत्तख भी खाएंगे, केकड़ा भी खाएंगे। तो बिहार में ऐसी जातियां हैं जो चूहा खा रही हैं, चूहा आदिवासी समाज भी खाया है, लेकिन सिर्फ चूहा खाया है ऐसा कभी नहीं है। लेकिन मुसहर जातियां हैं वहां, उनको ना लैंड है ना अनाज है, तो वो उस चीज को खाने के लिए अभिशप्त है। दिल्ली में कितने आउट से किसानों ने आंदोलन किए थे, उस आंदोलनों में लोगों ने अपना पेशाब पी करके गवर्नमेंट को बताया कि हमारी स्थिति ये है, मरा हुआ चूहा खा के बताया हमारी स्थिति ये है। किसान 6 महीने से यहाँ दिल्ली के बॉर्डरों में लॉक किए गए हैं, बड़े बड़े बाड़े जैसे कील वाले नुकीली चीजों को लगा करके उनके साथ क्या कुछ नहीं किया गया है, कितने शहीद हो गए हैं उस प्रोटेस्ट में। और आप बोल रहे हैं कि भाई किसान हो तो तुम जानो तुम्हारा फसल का क्या करना है, हम तो कोई मिनिमम वैल्यू नहीं देंगे तुम्हारे अनाज के दाम का। तो ये सब जो प्रश्न है बड़े प्रश्न है, और सिर्फ आदिवासी कम्युनिटी को बचाने वाले प्रश्न नहीं है, लेकिन हर एक मानव सभ्यता और समाज को बचाने वाले प्रश्न है। तो आप सिर्फ आदिवासी होने के नाते जंगल बच जाए, जमीन बच जाए, हमको वैक्सीन मिल जाए, कोरोना से बच जाए, ऐसी लड़ाइयां नहीं होती है, लड़ाइयां कलेक्टिवली होती है। एक को भी अगर वैक्सीन पूरा ना मिलेगा ना, तो वो आज भी मरेंगे, चाहे आप एक स्टेज बिछा लीजिए पैसों की, उस पे लोटिए, उसके बावजूद फोर्ट मैक्स और बड़े बड़े मेदांता और तरह तरह के 5 स्टार जो हॉस्पिटल है वो भी जान नहीं बचा सकते। खाओगे अनाज ही, सूंघोगे सांस जीने के लिए ऑक्सीजन ही, और जो आपकी कामना है प्लेटिनम पाने की, यूरेनियम पाने की, हीरा पाने की, वो आपका बुनियादी जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को हर एक आंदोलन को एक बड़े पर्सपेक्टिव में, बड़े नजरिए में, आदिवासियत बचाते हुए, संस्कृति बचाते हुए, भाषा बचाते हुए, जो मेरे पास नहीं बची, वजह मैं बताऊं क्यों नहीं बची। मेरे घर में मेरी माँ कुडुख भाषी थी, क्योंकि उनका पालन पोषण लोहरदगा के हनहट और फिर बेड़ो स्थित पलमा गांव में हुआ, लेकिन मेरे बाबा जो रांची से थे मूलतः, तो उनकी जो परवरिश हुई वो उरांव होकर के भी मुंडा भाषी रहे, और उरांव और मुंडा के बीच में माँ ने तो मुंडा नहीं सीख ली थी। देखिए एक वुमेन का रोल क्या होता है, माँ ससुराल में आके मुंडारी सीख ली, लेकिन बाबा मेरे कुटुंब नहीं सीख पाए। और यही वजह रही कि उन लोगों ने बाजार में बच्चा कंपटीशन कैसे करेगा, तो हिंदी तो बोलिए क्योंकि स्कूल में तो हिंदी बोलेगा। अब बच्चा को वहां पे ले जाके पूछिए, किस सिस्टर ने कांदा दिखाया और बोला कि बेटा ये क्या है, तो मेरी मामा की बेटी ने आंसर दिया था, सिस्टर ये कांदा है। तो बोले नहीं बेटा ये ना स्वीट पोटैटो है, इसको शक्करकंद बोलते हैं। वो लड़ गई वो बच्ची क्लास केजी का एडमिशन में, मेरा बाबा इसको कांदा बोलता है। तो ये जो शिक्षा व्यवस्था में एक भाषा का दबाव, मीडियम का दबाव, हिंदी अंग्रेजी का दबाव, हम लोगों को कुड़ुक का माहौल नहीं मिला। हम लोगों ने सरुल और करम में बस गीत गाए, इस वजह से वो गीत मुख में है। हम लोगों को कुछ शब्दावलियां पता है, लेकिन क्योंकि कभी ना सुना ना उसको बोलने वाले लोगों के बीच में घिरे रहे, तो आप जो हमसे उम्मीद करते हैं कि हमने भाषा सदम से छोड़ी, सदम से नहीं छोड़ी, दबाव से छोड़ी, शिक्षा के दबाव ने छुड़वाया हमसे हमारी भाषा। और इसी को कॉम्पनसेट करने के लिए माँ का मन था कि जेएनयू इंडिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, कुड़ुख में काम करोगी तो, अदरवाइज कुछ नहीं। कुड़ुख में उन्होंने सारे लोकगीतों का लील खोरा खेखे, जो धर्मदास लकड़ा और फादर एफ खान का 2600 लोकगीतों का संकलन था, उसको उन्होंने कुड़ुख से हिंदी में मुझे अनुवाद करके दिया। अब बोला कि जाओ अब इस पर काम करो। तो फिर मैंने कुड़ुख लोकगीतों में आदिवासी स्त्री की छवियां विषय पर मैंने अपना एम्फिल का शोध प्रस्तुत किया, और मुझे समझ में आया कि कितना कुछ गाना में छिपा हुआ है, जो हम लोगों को गैजेटियर्स में, बड़े बड़े म्यूजियम्स में या बड़े बड़े लाइब्रेरीज में नहीं मिलने वाली है,
वो उन मौखिक गीतों में है जहाँ पे एक वुमेन रेजिस्टेंस करते हुए कह रही है। वो एक गाना आता है, मैं मेरे को वो गाना का बोल याद नहीं है पर मैं उसका हिंदी बता सकती हूँ। वो बोल रही है कि पता नहीं कैसा राजा आया है, देखो ना महुआ जो गिर के नीचे पड़ा हुआ है उसको चुनने में भी बोल रहा है कि आधा तुमको मेरे घर देना होगा। तो ऐसे तो मतलब तभी तो भगवान ने नहीं हम लोगों को सिखाया कि मतलब मैंने श्रम किया और उसका अधबटाई हम तुम्हारे घर में जाके रखें, तो ये कैसा शासक आया है। वो इस बात को क्वेश्चन करती है और मुझे ये गीतों में मिलता है। तो मुझे बहुत सब्र होता है कि हमारी वुमेन बहुत लंबे समय से सवाल कर रही थी, वो गलत होते अन्याय को देख करके उसको गीतों में ढाल के बोल रही थी। वो एक बार एक गीत ऐसा भी आता है जिसमें वो बोल रही है कि हम लोगों का आदिवासी समाज कितना अच्छा है, देखो ना वो जो दूसरा लोग दिखू लोग है ना, उनकी महिला अगर विधवा हो गई है तो उसका शादी भी नहीं करता है कि बेचारी कितना मुश्किल से जिएगी, और हम लोगों का तो पुरुष लोग अच्छा है, अगर ऐसा कुछ घटित होता है तो उसका शादी कर देता है। तो वो उस समानता को जो समाज में मौजूद था उसको एप्रिसिएट भी करती है। वो खारिज करने के लिए नहीं बनी है, वो जो अच्छा है उसको अच्छा बोलना, जो खराब है उसको खराब बोलना। और उसी में एक गाना ऐसा भी है जिसमें पढ़ा जतरा में हाथी और घोड़ा जो कंधे पे घुमाया जा रहा है, उसमें गाना है, पुरुष गा रहे हैं कि ये जो हाथी और घोड़ा है ना ये बहुत मजबूत है और इसमें कौन इतनी होशियार लड़की है जो इसमें चढ़ के पढ़ा राजा बनेगी। समझ में आता है कि पढ़ा राजा का पोजीशन वुमेन भी कैरी करती थी, लेकिन आज हम तो मानकी मुंडा में नहीं पाते हैं, महतो जो पढ़ा व्यवस्था है उसमें नहीं पाते हैं वुमेन। तो ये सब तो एक सांस्कृतिक परिवार जो बयार बहा हुआ है उसकी वजह से है, और यही वजह से मुझे कई बार द्वंद की स्थिति दिखाई पड़ती है। और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरे आसपास जितने भी अच्छे लोग हैं जिनसे मैं खुल के बात कर सकती हूँ, उसमें माँ बाबा हो, दादा दादी हो, नाना नानी हो, एक दो जेनरेशन पीछे जाके भी जानने की कोशिश करती हूँ कि आप लोगों ने कभी डाइन हत्या देखा था क्या अपने समय में, तो वो बोलते हैं नहीं। मैंने कहा ठीक है, कोई लड़की अगर छप्पर छाल दे तो उस समय क्या होता था बाबा, तो बोलते थे वो कान में ना ऐसे ये छोटा सा एक कांटा लेते थे और उसको चुभा देते थे, ये पनिशमेंट होता था। लेकिन अभी घर छालना हुआ की चीज, अगर हल जोत दे तो बाबा बोले अरे अब हल से कहाँ जुताई हो रहा है, अब तो ट्रैक्टर है, लड़की लोग पैंट पहनती है तो घर छाले उसमें क्या दिक्कत है, लड़की लोग अभी इतना लोग ओलंपिक खेल रही है और उसका अगर कपड़ा लगता और उसका क्या दिख रहा है नहीं दिख रहा है इसी पर हम बात करते रहे उलझे रहे, तब तो फिर आप कभी नहीं आगे बढ़ेंगे। फिर लाइए वही कस्टमरी ट्रेडिशन, और वहां पे एक महिला जब संथाल परगना में निर्मला पुतुल की रचना में ये बात कविता में आती है कि उन्होंने अपना घर में कोई पुरुष नहीं मिला तो घर छान दिया और खेत में हल जोत दिया, क्योंकि पानी से चू रहा था तो वो किसी को बोली बोली कोई नहीं सुना और नहीं हुआ तो उसने खुद से कर लिया, उसको पनिशमेंट मिला और गाय के तरीके से हल जोतने की वजह से उसको उसका जो भूसा वाला जो पोर्शन होता है नाद जो होता है उस नाद में मुंडी डाल करके उसको भूसा खिलाया गया। तो ऐसा तो अमानवीय हमारा समाज नहीं था, और अगर ऐसा हो रहा है और इस पर महिला बोल रही है तो गलत कितना है विचारना पड़ेगा। बहुत सारी बात, इतने सारी बात को आपने बता दिया है। एक चीज मैं आपकी बातों से गौर किया कि जैसे लोग एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत कई लोग क्या करते हैं, जैसे आपने मरियम के कपड़े को लेकर कहा और या इस तरीके का, और जो आदिवासी लोग तो उग्र हो जाते हैं, और ये आपने कहा कि ये बहुत कुछ जो है ना दूसरे लोगों के द्वारा फीड किया हुआ रहता है, उनका कुछ पॉलिटिकल एजेंडा होता है और मैंने अपने पॉलिटिकल स्वार्थ को लेकर के लोगों को लोग एक तरीके से दिमाग में भरते हैं और हमारे आदिवासी लोग इस चीज को समझ नहीं पाते। मेरा एक भाई नेपाल में भाई है, उन्होंने भी मेरे से बात किया और कहा कि देखिए अगर कोई अगर हमारे
कस्टम को या तो हमारे भाषा को या कोई कपड़े को अगर अदर लोग पहनता है या अगर वो अपने नहीं भी है और पहनता है या तो उसको उपयोग करता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। हमारे आदिवासी आदिवासी संस्कृति और कल्चर को बढ़ावा मिल रहा है उससे। ये तो जैसे आप बहुत सारे हम लोग देखते हैं कि जो हिंदू धर्म में है या उच्च जाति के जो कल्चर है उसको नीचे जाति के लोग जैसे गणेश पूजा हुआ हाँ उसमें लोग शरीक होते हैं उनके कल्चर में सम्मिलित होते हैं तो वो लोग कहाँ बोलते हैं कि आप मत आओ। वो लोग कभी मना नहीं करते हैं कि नहीं हमारे हिंदू धर्म का आपने ऐसा कर दिया हमारे आप इसमें आप शामिल नहीं हो सकते इस टाइप से तो होता नहीं है। तो हमारे आदिवासी लोग इस टाइप से इस तरह से क्यों बोलते हैं कि भाई आप कपड़ा नहीं पहन सकते या कपड़ा पहना नहीं सकते या ये चीज आपका नहीं है है ना या तो आप हमारे आदिवासी नहीं हो या तो हमारे धर्म को नहीं मानते हो ये सही नहीं लगता है। और पूरी तरीके से ये कोई गैर आदिवासी संगठनों के द्वारा ये हमने प्रेरित लगता है और एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत ये सब किया जाता है। आपने बिल्कुल मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ और काफी ये आदिवासियों को समझने वाली बात है। तो मैडम आगे मैं आपसे सवाल करता हूँ रूपा तिर्की केस और उसका जो उस केस का जो जांच चल रहा है पुलिस के द्वारा या तो जो भी कमेटी बनी है जांच कमेटी उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? मैं इस सवाल को सिर्फ रूपा तक केंद्रित नहीं करूंगी। मुझे लगता है कि ऐसी असंख्य रूपा है जिसको कि जन समर्थन नहीं मिला और या तो वो बातें दबी रह गई छुपी रह गई और वो एक जातीय हिंसा का शिकार हुई। हम महिलाएं थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करके पढ़ लिख करके नौकरियों में अगर आ जा रहे हैं तो अपने बगल की कुर्सी में अगर कोई सवर्ण समाज का बैठा है अपने आप को हम लोगों से ऊपर मानने वाला लोग बैठा है तो उन लोगों को ये बहुत दुख होता है बहुत तकलीफ देता है और वो तकलीफ देने की वजह से वो इस बात को कुछ इस तरीके से कह रहे होते हैं कि जो मैंने महसूस किया है मैं बहुत खुल करके क्योंकि मैंने पढ़ाई के दौरान भी एक आदिवासी होने का दंश झेला यहाँ पे दिल्ली में भी JNU में भी और मतलब अभी जब एक पढ़ाने की स्थिति में आई हूँ तो वहां पे भी इस तरह की हिंसा है जो कि आपको दुख पहुंचाती है आपको बोलने नहीं देती है आपको कुछ रोक रही होती है। तो ये उसकी चरम परिणति थी कि उस हिंसा का एक बहुत बड़ा रूप के तौर पे रूपा को सीधे सीधे मार दिया गया और शक्ल इख्तियार कराया गया कि ये आत्महत्या है। मैं JNU में आई थी और आदिवासियों पे रिसर्च खोज रही थी जब MPhil डिसर्टेशन और PhD के केसेस पढ़ने की कोशिश कर रही थी तो मुझे जो टॉपिक्स मिल रहे थे वो बहुत अच्छे मिल रहे थे। मैं JNU के एक रिसर्च का डिस्कस करना चाहूंगी कि आदिवासियों के बीच में ना आत्महत्या जैसी प्रवृत्ति मिलती नहीं है इसको लेकर के JNU में शोध हो रखा है और उन्होंने उराव और मुंडा का बीच में जाकर के इस काम को कंडक्ट किया हुआ था। मैं नाम बोल रही हूँ स्कॉलर का वो आप लोग MPhil और PhD का JNU का वर्क ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो उसमें ये रिसर्च में उस बात में ये बात आ रही है कि मतलब आदिवासी के पास ना जो सर्वाइवल के स्किल्स हैं और जीवन देखने का जो नजरिया है वो बहुत सकारात्मक है। वो कठिन से कठिन परिस्थिति में अपने आप को नुकसान पहुंचाने का नहीं सोचता है। तो सबसे पहले बात रूपा तिर्की के संदर्भ में कि बहुत आदिवासी उस रिसर्च का ये भी कंक्लूजन था कि बहुत हसमुख बहुत प्रसन्नमुख और एकदम लाइवली जीवन को जीने वाला पूरे तरीके से अच्छे से जीने वाला ऐसा होता है आदिवासी। तो रूपा के संदर्भ में मैं इस बात को स्पष्ट कहूंगी कि जो वीडियोज आए हैं ग्राम सभा की जो रिपोर्टिंग आई है और जो बहुत ही संवेदनशील पत्रकारिता के तरफ हमारा आदिवासी वर्ग बढ़ा है इसको मैं सल्यूट भी करती हूँ और उन लोगों ने इस केस को ऐसे पकड़ रखा है कि भाई जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम तो इसके आगे और कुछ बात ही नहीं करेंगे। ये निर्भया के समय भी हुआ था और वो न्याय को
या एक न्याय के स्वरूप एक निर्भया लॉ का जो निर्माण कराया गया, या रोहित वेमुला की जब हैदराबाद में सांस्थानिक हत्या हुई एक दलित लड़के की, और उसको भी लेकर के देश इतना आंदोलित रहा कि एक लॉ बन जाता है कि जो सरकारी शिक्षण संस्थान है वहां पे इस तरह से किसी को भी किसी तरीके का परेशान नहीं किया जाए कि वो अपने आप की जान लेने की सोचे। लेकिन उसके बावजूद महाराष्ट्र का पायल ताडवी केस हमारे सामने गुजरता है, असंख्य केस जगदलपुर में सोनू मेरावी सुसाइड करते हैं, तो बहुत सारे असंख्य केस हैं। और उस असंख्य केस में आत्महत्या जो होनी हुई है यहाँ पे, वो आत्महत्या है नहीं, वो हत्या है, और वो जातीय घृणा की शिकार हुई है। और उस जातीय घृणा में कहीं ना कहीं कोई और भी बातें लिपटी हुई है जो कि सत्ता से जुड़ी हुई है, मानव तस्करी से जुड़े हुए कुछ चीजों का वो अनुसंधान कर रही थी और इसके लिए उसकी हत्या हुई है। कुछ दबंगों को, तो कॉल दबंग, यहाँ कोई दबंग नहीं है, ये वर्ड ही बहुत फर्जी है। बेसिकली मैं कहना चाहूंगी खुल करके कि जो वहां पे एक दबदबे वाले लोग और सवर्ण लोगों का जो जमावड़ा है, उनको किसी लोगों को उन्होंने जेल में बंद कर दिया था, छोड़ने का दबाव बन रहा था। तो आप इस पूरे केस को अगर फॉलो अप करें तो ये हिंसा सिर्फ थाने में नहीं हो रही है, आप किसी भी विभाग में जाइए, आपको अतिरिक्त काम, बिना जरूरी काम, आप खुद एक संस्थान से जुड़े रहे हैं, हम लोग नौकरी का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसके तहत हम लोग बातें नहीं कर पाते हैं, या कई बार एक एक्सप्रेसिव नहीं होने की वजह से भी चीजों को नहीं कह पाते हैं, लगता है कि नौकरी से निकाल दिया जाएगा, कुछ हो जाएगा, रोटी यही चल रही है, रहने देते हैं, चुप रहते हैं, नहीं बोलते हैं। तो इस तरीके का एक मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न वो लगातार झेल रहा होता है, झेल रही होती है, जो विश्वविद्यालयों तक में भी होता है। तो इस बीच में ये हत्या करके आत्महत्या का रूप दिया गया है, जो जांच होनी चाहिए थी उसमें सभी लोगों का एक एसर्शन है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए थी और त्वरित न्याय की तरफ हम लोगों को बढ़ने की जरूरत थी। तो इस चीज को हमारे राज्य प्रमुख और अगुआ ने इग्नोर किया और बीजेपी से जो हमारे बीच में राज्यपाल के तौर पे द्रौपदी मुर्मू हैं, उन्होंने इसको हाथों हाथ लिया। और ये एक सामाजिक तुष्टिकरण भी है कि आदिवासियों को हम दिखाएंगे कि झारखंड हम बना के दिए हैं, हम दिखाएंगे, आप ही वही लोग हैं जो मनीषा के साथ हाथरस में क्या कुछ करते हैं, आप ही वो लोग हैं जो बेटी बचाओ और बेटी बचाओ पढ़ाओ वाले आंदोलन का नारा दे करके आसिफा के साथ, आसिफा जो कश्मीर की आदिवासी है, आसिफा बकड़वाल जो 8 साल की बच्ची के साथ 8 दिन तक मंदिर के बेसमेंट में उसके साथ रेप होता है, और बस डराने के लिए कि वो मुस्लिम आदिवासी है और यहाँ पे सेटलमेंट हम नहीं चाहते हैं, तो वहां के पुजारियों ने वहां पे उसका रेप किया। तो ये हिंसा लगातार हो रही है, बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है, मरकम हिड़मे अंदर है, बबीता कच्छप अंदर है, ठीक है। हम लोग इस पर नहीं बात कर रहे होते हैं, हम लोगों को लगता है कि बस ये एक केस है, इसमें तो हेमंत सरकार ही दोषी है। एक अगुआ जो बहुत कुछ कर रहा है उस पर उंगली उठाने के लिए एक मौका मिल गया और उसको बीजेपी ने बहुत पूरे तरीके से कैश करने की कोशिश की है। और अभी लोग अलग राजनीतिक विकल्प की और तीसरे विकल्प की बात कर रहे हैं, तीसरा विकल्प बुरा नहीं होता है, लेकिन उस अपने व्यक्ति को कार्य करने का कितना स्पेस, क्या वजह है कि हेमंत सरकार इस चीज को कहने में इतना देरी लगा, अपनी अपनी बहन और बेटी जैसी एक 21 और 26 वर्षीय रूपा को वो न्याय देने के नाम पे पीछे रह गए। तो जो सत्ता का अपना एक कुर्सी का जो चरित्र होता है, उस चरित्र में लोगों के पास वो सबको खुश रखना है, वो जाएंगे शिवरात्रि में भी जल चढ़ाने, वो क्रिसमस का केक भी काटने जाएंगे, वो सवैया भी खाने जाएंगे और वो होली का मिलन त्योहार भी करेंगे, दुर्गा पूजा का पंडाल का फीता भी काटेंगे। ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, जॉइंट इलेक्टोरेट हमारे देश में लागू है, वो पूना पैक जिसमें कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी कि जो आबादी जहां पे है उसको
उसी आबादी के लोग वोट करेंगे ये राइट जो गांधी के और अंबेडकर के समय में गांधी के द्वारा एक छल किया गया उसी का खामियाजा है कि आज हमारे पास जितने भी रिजर्वेशन दे दीजिए उसके बावजूद जो नेता चुन के जाएंगे वो बीजेपी का होगा, वो कांग्रेस का होगा, वो समाज का कभी नहीं होगा। उसको उसको खुश करना है क्योंकि उसके साथ अदर जो पॉपुलेशन है उस क्षेत्र का वो भी वोट देगी। आदिवासी नेता तब आदिवासी नेता बनता, अपने समाज का नेता बनता, जब उसको किसी और का वोट से इस लोकतंत्र में एक नीति निर्धारक के रूप में बनने का जो स्पेस हो सकता था वो दिया जाता। हम लोग बहुत आसानी से हेमंत सोरेन का किसी शिवलिंग पे दूध चढ़ाता हुआ फोटो वायरल करके उस पर सवाल करते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं सवाल कर रहे होते हैं कि क्या कुछ घटा है लोकतंत्र का जो फॉर्मेशन हो रहा था, संविधान जब एक आकार ले रहा था, देश जब बन रहा था, प्रॉब्लम वहां से शुरू हुई। दलितों को, मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को, जो हाशिए का समाज था, मार्जिनल सेक्शन था, उन सबके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी। टर्म सुनने में बहुत भारी लगता है, सेपरेट इलेक्टोरेट, ज्वाइंट इलेक्टोरेट, लेकिन बदमाशी वहीं पे कर दी गई है। तभी तो अम्बेडकर सोए नहीं थे, जिस दिन आजादी का सेलिब्रेशन था वो जग रहे थे। उनका मानना था कि मेरा समाज जिस दिन जगेगा उस दिन मैं सो पाऊंगा। और सभी जहां पे भी इंटरव्यू के लिए पत्रकार घूमते रहे कि कोई एक नेता जगा हुआ मिल जाए, उनको सवर्ण समाज के, अगड़ी जातियों के कोई नेता नहीं मिले, केवल अम्बेडकर थे। और वो बीबीसी के एक इंटरव्यू में एक बात को बहुत खुल करके कह देते हैं कि देश आजाद हुआ है, सिंबॉलिकली आजाद हुआ है। हम लोग जाति से, हम लोग वर्ण व्यवस्था से, हम लोग पितृसत्ता से आजाद नहीं हो पाए थे। अम्बेडकर ने क्यों कानून मंत्री होते हुए अपना रेजिग्नेशन दिया था हिंदू कोड बिल के लिए? क्यों वो मजदूरों के लिए बोल रहे थे कि भाई 8 घंटे की जॉब हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं करा सकते हैं अपना? और आज आप देखिए पूरे निजी क्षेत्र में बदल दीजिए, कोई रिजर्वेशन को लागू करने की जरूरत नहीं होगी, सब चीज खत्म, सब कुछ खत्म। तो बात बहुत है, समझना है इतिहास से, आज से जो भी चीजें जुड़ती है, रूपा को न्याय मिलेगा। हम लोग लड़ेंगे, सब मिलकर लड़ेंगे, इकट्ठे लड़ेंगे। हेमंत सोरेन वहां पे कोई विलन नहीं है, लेकिन चीज क्या है जो रोक रही है, इस चीज को समझते हुए हम लोगों को बात करना पड़ेगा, विश्वास दिखाना पड़ेगा अपने इस नेता पे, जिसने मजदूरों को फ्लाइट से लेकर के आने की हिम्मत दिखाई, जो अपने मजदूरों के लिए दिनों रात लगे रहे। हम लोग नहीं छोड़ सकते, हम नहीं भूल सकते। जेपीएससी का एज का कंसिडरेशन पीछे ले जाके किया, जब से लास्ट जेपीएससी हुआ है उस डेट को, आज की बेरोजगारी के दौर में कौन एक केंद्र में, समाज केंद्र में बैठा हुआ नेता है जो बोल रहा है हम रोजगार दे पाएंगे? कौन बोल रहा है कि आपका एज का कंसिडरेशन हम वही करेंगे क्योंकि ये मेरी गलती है, मैंने नौकरी नहीं निकाली? आज हम ही लोग कितने सारे फॉर्म्स नहीं भर सकते हैं क्योंकि वो आयु पार हो चुकी है। आयु पार होने का वजह क्या है? आपने नहीं निकाला, इस चीज को कोई एक्नॉलेज नहीं करेगा और उसके बाद चीजें घटित होती रह रही है। तो हम लोगों के प्रति इस दूरदर्शी नेता के पास कुछ है जो हम लोग पा सकते हैं, एक अच्छा थिंक टैंक उनके आसपास रहे, जो वो मतलब बहुत न्याय सम्मत होकर के चीजों को देखे। और शिबू सोरेन का जो विरासत है, एक लड़ाका नेता होने का विरासत, वो एक कलम पकड़ने वाला, बुक पकड़ो बुके ना पकड़ो ये कहने वाला नेता हमारा, बहुत संवेदनशील व्यक्ति है। हम लोगों को उस पर विश्वास दिखाने की जरूरत है और कहने की जरूरत है कि हम लोग साथ चलेंगे, लेकिन हमारी इन बातों पर आपको गौर करना होगा। जेपीएससी में नियुक्तियां ऑलमोस्ट बंद थी, असिस्टेंट प्रोफेसर का 2018 का नियुक्ति, उन्होंने बोला हम फ्रेश नहीं है अभी एडवर्टाइज करेंगे ना फ्रेश लेंगे, हम बैकलॉग भरेंगे पहले। बैकलॉग वो पोस्ट जिसमें आपको बार बार सवर्णों ने चालाकी से कह दिया नॉट फाउंड सुटेबल, ये लोग योग्य नहीं है। इंटरव्यू बेस्ड तो सारी नौकरियों में इन्होंने एनएफएस करके 2009 से पहले तक की नियुक्तियों को उन्होंने रिजर्व सीट को अनरिजर्व सीट में कन्वर्ट किया। जब स्टे लगाया कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि नहीं, जो जिसके लिए तय पोस्ट है उसका नेचर नहीं बदल सकता, आपको उसको बैकलॉग के रूप में निकालना पड़ेगा,
तो वो बैकलॉग की नियुक्तियां भरना शुरू किए थे। महामारी का ये दो साल का दौर आया, इंग्लिश की नियुक्तियां हुई, कई अन्य सब्जेक्ट की नियुक्तियां हुई, तो हम लोग एक पॉजिटिव गेस्चर उस लीडर में हम देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा नेता ऐसा ही हो। तो न्याय के लिए सीबीएसई सीबीआई ही हमें जांच से न्याय दे देगा, ये बहुत संभव नहीं है। और सीबीआई होगा तो भी अच्छी जांच मिल पाएगी, इसकी भी संभावना बहुत बनती है। तो हम लोगों को विश्वास दिखाने की बात है। और कम से कम एक बीजेपी का जो एकदम क्लियर कट हिंदू नेशन का जो एक आइडिया है, एजेंडा है, और असमानता की जो बातें हैं, उसके साथ अगर आप खड़े होते हैं तो फिर अपने नेता को एक क्षेत्रीय दल को उतार करके चढ़ाइए, फिर से राष्ट्रीय दलों को, कांग्रेस को लाइए, आप बीजेपी को लाइए। तो मुझे लगता है कि रूपा तिर्की मामले में सीबीआई जांच भी हो, और उससे बड़ी बात है कि न्याय सम्मत चीजें हमारे सामने आए, चीजें खुल के आए, आदिवासी जनता उस पर विश्वास दिखा सके, ये ज्यादा जरूरी है बनिस्पत इसके कि अपने आका को पैर खींच ले हम। ये मेरी समझदारी है, बिल्कुल निजी समझदारी है मेरी। मैडम ये रूपा तिर्की को जो जो हत्याकांड हुआ है उसको कई लोग जैसा बता रहे हैं कि वो आत्महत्या की थी, लेकिन एविडेंस जो कह रहा है वहां जो लोगों ने प्रमाण देखा, उनके घर के लोगों ने देखा और जो लोग वहां गए थे और कई लोगों के मुंह से भी सुनने को आ रहा है और सोशल मीडिया या तो अन्य माध्यमों से जो सुनने को मिल रहा है, तो वहां पर जो प्रमाण है जैसे गले में दो मैंने धारी मैंने निशान दिखाई दिए है ना, और दूसरी कि आप कोई फांसी लगाते हैं तो घुटने उनका घुटना जो है बिस्तर पर, ऐसा हो ही नहीं सकता आत्महत्या कि कोई फांसी लगाए और उनका घुटना बिस्तर पर टिका हो। क्लियर कट हत्या है, क्लियर कट हत्या है, हो ही नहीं सकता। और इसे पुलिस महकमे के द्वारा किया गया हत्या नहीं है, इसके पीछे बहुत लंबे लंबे हाथ है और ये खुल के आना चाहिए। तो ये बिल्कुल जो है ना, लेकिन जो जांच प्रक्रिया मैंने वहां जो चल रही है उसमें तो बिल्कुल लोग एक पक्षीय मोड़ दिए उसको। दूसरा जो कनौजिया वाला जो जैसे हम लोग गैर आदिवासी से जो विवाह की बात हम लोग कर रहे थे, तो उनका हो सकता है दोस्ताना रहा हो रूपा तिर्की का, और उसके आड़ पर लोग जो कनौजिया की ओर उसको मोड़ दिए कि कनौजिया ने कुछ कहा होगा तो उन्होंने प्रेशर में दबाव पे आकर के या तो मैंने अपसेट होकर के आत्महत्या कर ली। लेकिन जो एविडेंस प्रत्यक्ष दिख रहा है ना, उनके माँ बाप देख रहे हैं, पुलिस देखा है, हरपुर देखे हैं, उस पर कोई जांच नहीं चल रही, मैं पूरा मोड़ दिया गया है। तो ये बहुत भाई एक पुलिस को तो चारों दिशाओं में जांच करना चाहिए था ना, उनका तो सिर्फ यही कहना है कि इन्हें उनके साथ दोस्ती था, कनौजिया से उनसे फोन पर बात हुई हुई होगी, भाई अगर दोस्ती रहा होगा है ना तो हुई होगी, उसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन उसके कहने पर ही वो आत्महत्या की ये तो कहाँ साबित होता है, वो तो नहीं होता है ना। बिल्कुल नहीं। मैं इस पर एक बात ऐड करना चाहूंगी कि आदिवासी अगर जंगलों में है तो वहां मारा जाएगा नक्सली बोल के, पुलिस स्टेशन पहुंचेगा थाना प्रभारी बनेगा तो भी वहां पे काम करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके अंदर का जो इनबिल्ट ईमानदारी है ना वो उनकी बेईमानी के साथ टकराता है, और इस बेईमानी और ईमानदार में ईमानदार की हत्या होती है। इस चीज को हम लोगों को समझना पड़ेगा और एकदम पुरजोर तरीके से इसको लड़ना पड़ेगा। हम नहीं छोड़ सकते इस केस को, ये केस एक केस नहीं है बल्कि ये एक मिसाल बनेगा कि मतलब आदिवासी समाज अपना एक बच्चा को, एक बच्ची मात्र को खो करके और उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा करके नहीं बच सकता है। आपने मारा है और इस मारने को सजा मिलना चाहिए, और उसमें जो पुलिस स्ट्रक्चर का जो एक दंभ गवर्नमेंट जो हमारे सामने हमेशा दिखाती है कि सेवा के लिए तत्पर, इसके लिए तत्पर, लेकिन कितना खौफजदा आम जनता पुलिस से रहती है ये बिल्कुल नई समझने वाली बात ही नहीं है। हम लोग आर्मी और पुलिस का जो एक स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं उससे आदमी कितना खौफजदा होता है, वो पुलिस स्टेशन जाने से बचता है, वो जुडिशरी में जाने से बचता है, क्योंकि सारा कब्जा उन सवर्णों का है, उनके बीच में हमारे लिए हेट्रेड है, हमें न्याय नहीं मिलेगा वहां। तो ये तमाम बातों को एक साथ जोड़ के इकट्ठे
से देखना होगा। रूपा तिर्की का केस अलगाने से हमें सच सब कुछ नहीं मिल जाना है, हमें रूपा तिर्की के माध्यम से उन सारे दबे दुबे केसों को और इस पुलिसिया तंत्र में हो रही हत्याओं को पूछना पड़ेगा। असम राइफल्स जो मणिपुर में मनोरमा देवी केस की वजह से उसने एक कार्य वहां की महिला को मनोरमा देवी को उठाया, 16-17-18 साल की लड़की थी, नक्सली होने का उस पर एलिगेशन लगाया उस, और दो दिन के बाद उसकी बॉडी मिलती है और उस बॉडी में उसके जो जेनिटल पार्ट्स हैं, जो उनकी योनी वगैरह का जो एरिया है, वहां पे 16 बुलेट्स मिलती हैं, मारी हुई, मतलब छत विछत किया हुआ। और इसको लेकर के वहां की मदर एसोसिएशन, महिलाएं जो है न्याय नहीं पाते देख करके, और वो एक मनोरमा देवी नहीं थी, हजारों मनोरमा देवी वहां बन चुकी थी, और वहां पे मनोरमा देवी के केस से एग्जैग्रेशन होता है, चीजें सामने आती हैं और महिलाएं जाकर के प्रोटेस्ट करती हैं असम राइफल्स के मुख्यालय के सामने नेकेड होकर के, और तब पहली बार ध्यान जाता है कि वहां के आदिवासी महिलाओं ने अपनी बेटियों पे हो रहे अत्याचार को नंगा होकर के प्रदर्शन किया है। उनको 3 महीने की जेल होती है, लेकिन उसी केस के बाद उस जगह से वहां का जो असम राइफल्स का जो एक हब बना हुआ था उसको छोड़ना पड़ता है, वहां से जाना पड़ता है। यही सिचुएशन हमारे बीच में अभी प्रहार ऑपरेशन चल रहा है, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, और ये एंटी नक्सल मूवमेंट के नाम पे आदिवासी लोगों की ही नियुक्ति की जा रही है, जिसमें कि आपको मारना भी आदिवासियों को है, और अगर पुलिस के तरीके से मारे जाओगे तो ये हजारों की संख्या में ऐसे लड़कों को रिक्रूट किया गया है जिनको आर्म्स पकड़ा दिया गया है बिना ट्रेनिंग के, उनको एसपीओज आप कह रहे हैं, उनको आप डिस्ट्रिक्ट रिजर्व पुलिस फोर्स कह रहे हैं, और इस नामों से आप उनको मरने के लिए खत्म तो होना है उनके आदिवासी समुदाय, और आपको पाना तो वहां की रिसोर्सेस है, तो हम लोगों को इस चीज को तो समझना पड़ेगा और फाइट बैक करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलने देना पड़ेगा। तो मनोरमा देवी वाले केस से हम लोग इंस्पिरेशन ले सकते हैं और इस रूपा तिर्की केस को हम लोग समाज में इसी तरीके से लेके जाए कि कल नीतीशा खल को एक हो सकती है, कल कोई एक एकता हो सकती है, कल कोई एक असुर हो सकती है, कल कोई एक नगेशी हो सकती है, तो इस तरीके का हम माहौल नहीं बनने दे सकते हैं, इसको हमारा समाज मिल के तय करेगा। बहुत कुछ हो इसमें कहना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन समय को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो रूपा तिर्की केस में आपने जो कहा कि हमारे मुख्यमंत्री बहुत ही सदैव व्यक्ति हैं और वो बहुत दूर दूर तक की सोचते हैं, तो हम आदिवासियों को थोड़ा गंभीर होकर के इसको सोचना पड़ेगा, एकदम से जो है ना कि हेमंत सोरेन जी नहीं कर रहे हैं ना, कुछ ना कुछ उनका कुछ कमजोर पड़ी होगा या तो कुछ भी राजनीतिक मजबूरी होगी है ना, इसके कारण से कहे कि बहुत सारे लोगों को साथ लेकर के चलना पड़ता है, नहीं तो लोग चलने नहीं देंगे है ना। अभी लेकिन सच के साथ तो हमेशा जनता खड़ी है, इसी बात का अगर हेमंत सोरेन रेजिग्नेशन भी दे देते हैं ना, तो वो उस मतलब उस राज्य के लिए एकदम नतमस्तक हो जाने वाला जनता, आदिवासी जनता उसके लिए हो जाएगा। मतलब अगर इस केस का कोई भी इधर ना उधर से अगर एक दबाव है तो इस पे अगर उन पर बात आती है तो एक रेजिग्नेशन, उनका अरेस्टिंग, उनका तमाम चीजें, मैं सबसे वर्स्ट बातें कर रही हूँ जो संभावित है, जिसको केंद्र इस तरीके से देखने की कोशिश करेगा, क्योंकि कोई भी कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये क्षेत्रीय पार्टियों को कभी भी इस देश का शासक नहीं बनने देगी। और यही वजह है कि बिहार से जब झारखंड अलग किया गया तो राष्ट्रीय जनता दल की पॉलिटिक्स वहां बहुत स्ट्रांग हो रही थी, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को तब हटाया गया जब वहां पे बीएसपी और समाजवादी पार्टियां स्ट्रांग हो रही थी, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ और जो मध्य प्रदेश का जो डिविजन हुआ, तो ये क्षेत्रीय दलों को कभी भी आपके देश में नेतृत्व करने नहीं देंगे। और यही वजह है कि बहुत बड़े बड़े अच्छे लीडर, ममता बनर्जी हो, जयललिता हो, मायावती हो, या फिर और भी जितने भी बड़े लीडरान साउथ से भी आ सकते थे, इन सब का एक पल्ला काट करके, एक क्षेत्रीयता बता करके ये पार्टी बाइनरी में गेम खेल रही है। कुछ
15 साल तुम देख लो, 15 साल हम देख लेंगे, 15 साल तुम देख लो, 15 साल हम देख लेंगे, यही गेम चल पड़ा है। इससे इतर नहीं है इनकी ज्यादा पॉलिटिक्स, और इसको समझना पड़ेगा हर एक क्षेत्रीय पार्टियों को, और एक यूनाइटेड फोरम बना करके, फ्रंट बना करके इसको करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा जी। तो अभी जैसा कि सिचुएशन है उस हिसाब से हेमंत सोरेन जी तो काफी सोच समझ के काम कर रहे होंगे, तो हम उसको वो जो सोचते होंगे वो हम नहीं सोच सकते। तो आदिवासी समाज को बहुत धीरज पूर्वक गंभीरता से इसको सोचना चाहिए, क्योंकि अभी अब जो गैर आदिवासी जो पार्टी है वो दाएं बाएं देख रही है कि ना ये हमको मौका मिल गया है, और आज हमारे पास एक आदिवासी मुख्यमंत्री और काफी अच्छे हैं, और काफी हमारे लिए सोचते हैं, मैं देखता हूँ उनके भाषण को भी सुनता हूँ, बहुत अच्छे हैं। तो एकदम से हमें भावनाओं में बह करके एकदम मैं क्या कहें एकदम उग्र नहीं होना चाहिए। हाँ हमें डिमांड तो करना ही है, बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए रूपा तिर्की को, और इसको जारी रखना है हमेशा, और प्रोटेस्ट तो करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिसे एकदम से एकदम उसके खिलाफ में माहौल क्रिएट करना है तो उग्र हो जाना ये सही नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा आदिवासी समाज को, पूरे आदिवासी कौम को इस विषय पर गंभीरता सोचना चाहिए।